वेलकम बैक टू माय चैनल अमेजिंग रुद्रा वीडियोस। तो ये है चेस पार्ट 15। आज हम लोग सीखने वाले हैं फोक का थर्ड प्रकार डबल अटैक। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी क्वींस की पोजीशन। अब यहाँ पर डबल अटैक कैसे होगा? हमारे क्वीन यहाँ पर रखेगी, ना कि यहाँ पर। अगर यहाँ पर रख दिया तो अपोनेंट हमारी क्वीन को मार देगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर रखेंगे। फिर क्या हुआ, अपोनेंट के किंग को चेक मिल गया और अपोनेंट का रुक भी मारा जाता है। और इसके पॉइंट होते हैं 0 और इसके पॉइंट होते हैं 5, लेकिन फिर भी अपोनेंट का किंग को ही हिलाना पड़ता है। तो फिर अपोनेंट यहाँ कहाँ पर हिला सकता है वो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर यहाँ से यहाँ पर भी हिला सकता है, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर नहीं, क्योंकि अगर ये यहाँ पर खेल दिया फिर भी यहाँ पर चेक है, और इसने यहाँ पर खेल दिया फिर भी यहाँ पर चेक है, फिर ये यहाँ पर खेलेगा तो फिर अपोनेंट का रुक मारा गया। तो आप डबल अटैक कौन से भी कॉइन से कर सकते हो, जैसे कि रुक हो गया, जैसे कि बिशप हो गया, लेकिन सिर्फ पॉन्स के साथ आप डबल अटैक नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो हो जाता है पॉन फोक। और एक बात, आप अगर आपके पास एक कॉइन हो और आप किसी भी दो कॉइन्स के ऊपर अटैक कर रहे हो, फिर वो हो जाता है डबल अटैक। अगर आपको फोक की वीडियो चाहिए हो, नाइट फोक की, पॉन फोक की, तो नाइट फोक की मैंने वीडियो ऊपर डाली हुई है। और आपके अगर आपको मेरे फोक के ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वो वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब।